अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम सारनी थाने में सौंपा ज्ञापन। आईटी सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष सहित दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर रैली निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम एसडीओपी के माध्यम से शुक्रवार को ज्ञापन सौंपकर भारतीय जनता पार्टी के द्वेष पूर्वक सारनी पुलिस के माध्यम से कार्रवाई किए जाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भूषण कांति, कांग्रेस के गौतम नागले और समाजसेवी राकेश महाले पर की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सारनी के जयस्तंभ चौक से पैदल रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाना प्रांगण में पहुंची और वहां पर एकत्रित होकर कांग्रेस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर द्वेष पूर्वक और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किए जाने का हवाला देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के माध्यम से तीन लोगों पर की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि पुलिस के माध्यम से इन द्वेष पूर्वक की गई कार्रवाई का खात्मा नहीं किया जाता है तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन शामिल होगा। शासन प्रशासन को यदि कोई क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। हमारे आईटी सेल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूषण कांति और युवा नेता गौतम नागले और राकेश महाले के विरुद्ध एक सारणी उजड़ते हुए शहर सारणी के पक्ष में एक उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट के विरोध में बीजेपी के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाकर और उन पर FIR दर्ज करवाई। प्रजातंत्र में इस प्रकार से आलोचना, किसी चीज़ की मांग करना, ये प्रजातंत्र का ही हिस्सा है। लेकिन देख रहे हैं कि भाजपा दुर्भावना से बदले की कार्रवाई करती है। भाई, ये सभी को मालूम है कि सारनी क्षेत्र पूरा उजड़ गया है, व्यापार दुकानदार सब चौपट हो गए हैं, मजदूर नहीं बचे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, नगर बसने के बजाय उजड़ रहा है। तो इसी को संबंध में लेकर सभी संगठन ने अपने अपने स्तर से कार्रवाई करते थे, किंतु इनको नागवार गुजरा और पुलिस प्रशासन भाजपा के नेताओं में दबाव में आकर और हमारे तीनों कांग्रेस के जाबाज साथियों के विरुद्ध FIR दर्ज करी। इसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है और FIR तत्काल वापस लेने की, निरस्त करने की मांग करती है।